हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए देखते हैं अपने अगले स्टॉक के बारे में। अपना जो अगला स्टॉक है एनएलसी इंडिया लिमिटेड है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड की बात करें तो 215 रुपए पे आज क्लोजिंग दिया है। एक पावर सेक्टर का स्टॉक का जो अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है साल भर के भीतर, एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है आगे भी चल के। देखा है तभी बहुत ज्यादा रिटर्न दे चुका है, बट थोड़ा सा रिटेस्ट कर रहा है, थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है। जैसे 215 से ऊपर जाए तकरीबन 1000 तक जाने की संभावना है इसमें। तो इसकी पूरी एनालिसिस करेंगे आपके साथ में। अगर आप चैनल पर न तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सबसे पहले बता दो, ये पावर सेक्टर का स्टॉक जितनी तेजी से भाग रहा है उतनी तेजी से तकरीबन कोई भी शेयर नहीं भाग रहा। तो चलते इसकी एनालिसिस करते हैं। कंपटीटर की बात करते हैं, एनटीपीसी अडानी ग्रीन है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन अडानी पावर अच्छा खासा इसके कंपटीटर है, अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। इसी रेंज में भी कुछ दिन बाद जाकर इसी रेंज में भी आ जाएगी कंपनी। वहीं बात करें रिजल्ट की, प्रॉफिट एंड लॉस की हम बात करें तो एनुअली प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो यहां 14 से 11 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है 2012 में। तकरीबन हर साल देखा जाए तो 1000 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट दिया है हर साल। वहीं बात करें इस साल की 2023-24 की, 2590 करोड़ का प्रॉफिट दे चुका है। तकरीबन 2700 करोड़ का प्रॉफिट देगा मार्च 2024 आते आते, तो अच्छा खासा ये प्रॉफिट दे चुका है। बट देखा जाए थोड़ा सा अभी चार्ट पे देखा तो थोड़ा रिटेस्ट कर रहा, थोड़ा रेस्ट ले रहा है। आगे जैसे ब्रेकआउट देगा अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव देगा, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। बट हम बैलेंस शीट की एनालिसिस कर लेते हैं। बैलेंस शीट पे देखा जाए तो 2012 से हमारे पास डाटा इक्विटी एंड कैपिटल की बात करें तो 1678 करोड़ की इक्विटी कैपिटल जो 2017 में देखा 1529 करोड़ का, वही अभी सितंबर 2023 में 1387 करोड़ का इक्विटी एंड कैपिटल रह गया, थोड़ा सा घाटा हुआ है, रिड्यूस हुआ है। वही रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो ये 10362 करोड़ से बढ़कर 15104 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस एड हुआ है। तो यहाँ पर जो माइनस हुआ था यहाँ पे एड कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी खासी है। तो अभी इसको लॉस में नहीं काउंट करेंगे। वहीं बात करें टोटल एसेट की, एसेट में 21544 करोड़ का जो एसेट था वो बढ़ के देखिए कितना हो गया, 53 करोड़ का तकरीबन एसेट हो गया है सितंबर मार्च 2023 24 आते आते तकरीबन ये 51 हजार करोड़ का एसेट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर बात करें तो प्रमोटर की हिस्सेदारी कितनी है, 79.2% प्रमोटर की हिस्सेदारी। एफआईआई की कितनी है, 1.21% है। एफआईआई की हिस्सेदारी यहां से देखिए 0.67, 0.81, 0.95, 1.21% हिस्सेदारी है। एफआईआई अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ा रही है। वहीं डीआईआई की हिस्सेदारी बात करें तो 8.85% डीआईआई की हिस्सेदारी है। गवर्नमेंट की कितनी है, 4.31% गवर्नमेंट की हिस्सेदारी। इन तीनों की हिस्सेदारी देखा तकरीबन 94% इन तीनों की हिस्सेदारी है। तो सोच लीजिए इस शेयर में ताकत कितनी है। तो हिस्सेदारी पर शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा है इसका, ये देखा है बैलेंस शीट भी अच्छा देखा गया है। चलते चार्ट पे, चार्ट क्या कहता है, चार्ट के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कब एंट्री लेनी है। तो चार्ट पे देखा था डेली टाइम फ्रेम पे रेड कलर की जो लाइन आपको दिख रही है 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर ये ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हैं ऊपर से, ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी में। बट थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कीजिए और तकरीबन यहाँ पे आने दीजिए 150, तो तकरीबन 150 के करीब में आने दिया। अगर थोड़ा सा यहाँ से देखें तो एक सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, बट इतना ज्यादा अपवर्ड मूव दे चुका है यहाँ से 125 से 80 के करीब में, 70 के करीब में था इस साल भर के अंदर देखा जाए तो बहुत ज्यादा मूव दिया। थोड़ा यहाँ पे आने दीजिए, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा और वेट कीजिए और यहाँ पे आकर रिटेस्ट करके ऊपर जाता है तभी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तभी एंट्री लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे एंट्री लेंगे थोड़ा फिर नीचे आएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर यहाँ से इन्वेस्टर एंट्री लेंगे और ये लेकर जाएंगे 300-400 हजार तक पहुंचा देंगे, तो फिर आपका पछताना लाजमी होगा कि हम यहाँ पे एंट्री के शेयर नीचे चला है। तो थोड़ा सा अगर यहाँ पे लेना है तो 25% क्वांटिटी आप बाई कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा वेट कीजिए यहाँ पे आने, उसके बाद आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो इसमें इतना ही मिलता है अगले वीडियो में, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।